नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों की इजरायल यात्रा पर पहुंच गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर मोदी के स्वागत भाषण में बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले हाथ जोड़कर नमस्ते किया और हिंदी में कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नेतन्याहू ने कहा कि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो हम भारत और इजरायल के बीच संबंध को आगे ले जाने पर सहमत हुए। फिर हम पेरिस में मिले, तब से कई बार आपसे फोन पर बात हो चुकी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का उन आमंत्रित करने और एयरपोर्ट पर गर्मजोशी भरा स्वागत करने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, मुझे भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बनकर गर्व हो रहा है। मैं यहां बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय मूल के यहूदियों से मिलना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर विकास की चुनौतियों का सामना करना है और आतंकवाद से भी मिलकर लड़ाई लड़नी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत इजरायल के बीच जब से पूर्ण राजनयिक संबंध शुरू हुए हैं, तब से दोनों ने तरक्की की है। इजरायल लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बनाया गया देश है। विपरीत हालात के बावजूद इसने तरक्की की और चुनौतियों को अवसरों में बदला। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजरायल दौरा है। मोदी के इस दौरे के दौरान इजरायल से 17,000 करोड़ का रक्षा सौदा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इजरायल के पीएम ने कहा कि भारत चीन विवाद में हम भारत के साथ हैं। भारत चीन की टेंशन छोड़ो, उसको हम मिलकर निपट लेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।